हाइड्रोपोनिक कल्टीवेशन ऑफ टमाटोस, और ये भी कह सकते हैं कि सोयलेस फार्मिंग ऑफ टमाटोस, बिना मिट्टी के खेती। अगर देखें तो इतने सारे टमाटोस लदे हुए हैं, और ये टमाटर का पौधा करीब करीब 10 मीटर से ज़्यादा होता है, अगर फिट में बात करें तो 35 फिट प्लस। अगर आप यहाँ यहाँ से देखना शुरू करें, टमाटर यहाँ पे तोड़ लिया गया है, यहाँ पे तोड़ लिया गया है, एक पौधे में करीब करीब 60 किलो टमाटर होता है एक पौधे में, और हफ्ते में करीब करीब ये एक गुच्छा हफ्ते में तैयार हो जाता है तोड़ने लायक। नीचे वाला जैसे ये वाला पक रहा है, ये वाला पक रहा है, ये टूटेगा, उसके बाद फिर इसी में ये वाला टूटेगा, फिर ये टूटेगा, फिर ये टूटेगा, देखोगे तो ऐसा लगातार चलता जाएगा, और ये पौधा बढ़ता जाएगा, ऐसे गिरता जाएगा नीचे नीचे। इस पूरी रो में इस 100 ये जो रो है ये 135 मीटर की है, और हर हफ्ते इसमें 1 टन टमाटर पैदा होता है। 1 टन मतलब हो गया 1000 किलो, 1000 किलो हर हफ्ता, और 1000 किलो हर हफ्ता, और ये पेड़ 1 साल तक टमाटर देता रहेगा। मतलब आप सोच लो कि 1 महीने में 4 टन, अगर 10 महीने में फसल चली तो 10 × 4 40 टन, 40 टन टमाटर 1 साल में, गुणे 10 रुपए किलो भी अगर लगा लो हिसाब, तो आप समझ सकते हैं कितना हुआ होगा, कितना हो जाएगा। प्लस जब मैं कह रहा हूँ सॉयलेस मतलब बिना मिट्टी के, तो यहाँ देखोगे, यहाँ यहाँ ये मिट्टी नहीं है, ये मिट्टी नहीं है, ये देखो ये मिट्टी नहीं है, ये कई तरह के सब्सट्रेट होते हैं, ये वैसे रॉकुल है, बस इसके थ्रू पानी दिया जाता है, ये रॉकुल है, नीचे वो है, बस ये देखो ये लो ये मेटल है, कुछ भी हो सकता है, लोहे लकड़ कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर कोई पानी वानी नहीं है, बस सिर्फ जड़ें जो हैं वो इतने में हैं, और इतने में ये पूरा साल पौधा जिंदा रहेगा, फल देता रहेगा।